तो गाइस आप लोग को पता है रात को 12 बजने वाला है, हम लोग सो रहे थे तो सोने जा रहे थे सोने, लेकिन ये बोली ये बदाम ले के कहाँ रखे हो मूंगफली जो फल तो मम्मी रुक जाए, ये बदाम में क्या है छिलका देखो, छिलका छिलको तो राय छोड़ दो, अरे बाप रे ये भी इसका खत्म हो गया तो आ गया लेने कितोसी कच्चा बादाम खा रही मम्मी। ये बादाम वाला बंदा भी फेमस को हो गया हाँ। तो हम एक बादाम वाला तो हम अरे हमको चिकन वाली मैडम अभी गिर जाता रही सब चिकन किचन किचन को चिकन बोलते हैं। और क्या चाट रहा है इसे बदमिया में, बाप रे रिसा ये क्या रिसा छोड़ दे तू लोग ऐसे रे। जो मूंगफली के अंदर नमक होता है गजब टेस्टी होता है अल्टीमेट। और सब लोग ना खुला वाला नहीं लेंगे लेकिन ये ही लेते हैं लोग ना, मत ये सब ऐसे नहीं कर टाइम पास आता है। और इधर इनको बुखार हुआ है तो इनका दूध गर्मा गर्म देखो बोलिए नहीं निकल रहा है। मुझे भी सर्दी हुआ है, अरे मुझे हम बर्दाश्त कर राजीव पापा को हुआ है, तुमको हुआ था तो पहले हमको हुआ था, राजीव पापा को हुआ फिर बिट्टी के पापा थैंक यू। हम मेरे को सर्दी बहुत खराब होता है भैया, हमको हम कैसे हमको जैसे सख्ती कहा, 3-4 दिन डांस क्लास गए थे नहीं गए थे हम मारू ये सबको मारे ये। गाइस मिलते हैं आप लोगों नहीं, से सुबह नहीं मिलेंगे गाइस, आप लोग को अपना शकल दिखा देते हैं यार, अपना शकल नहीं दिखाएंगे तो ब्लॉग में मजा आएगा। और ये पीछे जो आप लोग साड़ी देख रहे हैं ना ये हम सबको दान देने वाले हैं। इतनी साड़ियों की शॉपिंग में क्यों की हूं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे इतनी साड़ियों की शॉपिंग में गिफ्ट देने के लिए इतनी साड़ियों को शॉपिंग हमने किस लिए किया, कमेंट करके फटाफट आप लोग बताइए। और इसमें से जो पसंद आ रहा है फटाफट बताइए आप लोग हमको दे देना जी अच्छा ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो बंदा दी ले लो दुकान खोल लो दुकान ये साड़ी का बिजनेस बाबू साड़ी इतना क्यों मेरे लाए हो मेरे लिए यार ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये सीक्रेट वाली बात है, ब्लॉक के लास्ट तक जुड़े रहिएगा पता चलेगा, ब्लॉक के लास्ट तक जुड़े रहिए। ये क्रिप्टो मौसी का अरे यार क्या करे दुकान खुलेगी वो भी कितना भी गेस कर लो कमेंट सेक्शन में बताइए वो भी 50-50 रुपए में सारी अरे बाप रे तो है बस 50 में बहुत सारी मिले सस्ता कर दे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब आप बताइए इतनी साड़ी कितने किस लिए मंगाई है कमेंट करके बताइए बताइए जल्दी जल्दी क्या कहीं कुछ खबरें भी तो नहीं एक बांटने वाले वीडियो के लिए वीडियो दिखाने के लिए इतना साड़ी आएगा ये बताओ पागल नहीं तेरी सब बहुत बोलता है बिट्टी को ऐसे हम चलो पगले सही ये डांस अच्छा सीखती मुझे भी लेके थैंक यू। तो गाइस सुबह का टाइम हो गया है 11:30 बज रहा है, मैं उठी थी सुबह ही लेकिन क्या बोलता है कि थोड़ा बहुत जो वीडियो डालना रहता है इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह डाल रहे थे और मेरा ये पानी गर्म हो गया है तो मैं जा रही हूँ ग्रीन टी पीने। एक तरफ ग्रीन टी पीऊँगी और आप लोगों ने भी तो कमेंट करके बताया नहीं जो इतना सारा साड़ियाँ रखा है किस लिए रखा है मतलब क्यों लिए हैं हम इतना सारा साड़ी, आप लोग देख सकते कितना सारा साड़ी है बहुत सारे साड़ी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए किस लिए साड़ी हमने शॉपिंग की इतना ढेर सारा शॉपिंग। तो मैं अपना पहले चलती हूँ कप लेकर आती हूँ तो मैं कप पहले धुल लेती हूँ ठीक है फिर कुछ देर में आप लोगों से मिलती हूँ मैं। रात को मैंने दूध पिया था तो कप थोड़ा जूठा था साफ नहीं था तो मैंने धुल कर लाया है। अब इसमें मैं अपना ग्रीन टी बनाऊंगी ग्रीन टी पीती रहूंगी और सफाई करती रहूंगी मेरा दोनों काम होता रहेगा। ऐसे ढक देती हूँ ये कांच इसमें कांच का था ढक्कन तो हमारे पति देव से फूट गया था जब नया नया लेकर आया तभी फूट गया था। और इसमें मैं लाइट लैंप निकाल रखा है नाइट लैंप है दिन में भी जला सकते हैं रात में भी जला सकते हैं। और कुछ मेरे फ्रूट्स बचे हैं अभी जैसे मैं साफ़ करना रहता है ना पूरा ज़मीन का सामान ना जो रखते हैं इस पर रख दिए हैं
फिर जब सब सफाई कर लेंगे फिर उसको जमीन पे रख देंगे। ठीक है गाइस, मैं ग्रीन टी पी करके आप लोगों से मिलती हूँ कुछ देर में। तो गाइस आप देख सकते हैं हम अपना नेल एक्सटेंशन फिर से करवाने आए थे, तो यहाँ फोटो सेक्शन चल रहा है। अच्छा खींच लिया आपने। स्वागत करते हैं किट्टो ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता था कि हम जब गांव में गए थे तो गांव में ही मेरा नेल निकलना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इन सर के पास कॉल किया तो सर बोले कि आ जाओ, वेलकम है आपका, हमारे यहाँ फिर से हम कर देंगे। बात यह था कि ना सर ससुराल में काम करना पड़ जाता है ना, तो यहाँ पे क्या था कि साबुन वगैरह से जो भी होता है विम बॉम से धुल दो, लेकिन गांव में होता है जो जले बर्तन होते हैं तो उसको हम लोग राखी से धुलते थे, तो इसको जैसे क्या पता निकल गया होगा, हो सकता है मे बी। तो मैं फिर से आ गई हूँ कराने के लिए, लेकिन इस बार मैं दूसरा कलर कराऊंगी। ओके, ब्लॉग में जुड़े रहिए। अभी ये क्या कर रहे हो आप? रफलिंग। अच्छा कुछ भी बोल लेते हैं। इधर देखिए फोटो खींच रहे हैं, साथ वीडियो बना रहे हैं क्या? ओके थैंक यू जी, थैंक यू। ब्लॉग में जुड़े रहिए। गाइस ये देखो मेरा नेल है, स्टार्ट में देख लो, स्टार्टिंग में मेरा नेल ऐसा है, अब कैसा होगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ, इसके बाद मैं घर पे, पति देव मेरे हमको छोड़ के यहाँ पे चले गए हैं और ड्यूटी जाएंगे। एक मिनट, आप कहीं जा रहे हो क्या? ओके जाएगी। तो गाइज इस बार मेरा नेल कुछ चेंज हो करके लग रहा है, ये कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का है। हाँ। और वो नेल में था, नेचुरल देखने में लग रहा था, ये भी नेचुरल लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। ये न्यू आया है क्या ट्रेंड में? नहीं नहीं ये पुराना है, पुराना है ये। हाँ। फिर मेरे को पुराना क्यों लगा रहे हैं? नहीं नहीं ट्रेंड पुराना है, नेल सभी खोला पैकेट हमारे सामने, सभी भी आप देखोगे ना ऑनलाइन नेट वेट पे यही लगाया जाता है, यही लगाया जाता है। ये तुमने तो आज के लिए ये सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था। हाँ ये लगा, फिर ये आया और ये सबसे ज्यादा आर्ट इस पे ही होती है, चल रहा है, ये चल रहा है इस वक्त। अच्छा चलिए, आप मेरे को बता दी अच्छा की ये बस खड़खड़ खड़खड़ कर रहा है, बट ये स्ट्रॉन्ग है, ये टूटेगा। अच्छा ये नहीं टूटे, सिर में दर्द हो जाए। अच्छा वो आपने मशीन लाया तो उसका क्या हुआ? मशीन तो रखी, देखो इस बार ऐसे करके लग रहा है, नहीं आता है मैम यूज करना। तो गाइस देखो आप लोग अभी इसको ये अभी शेप में निकालेंगे सारे, मतलब कि 10 उंगली भी हमारे लग गए हैं नेल्स, और ये कुछ डिफरेंट टाइप का है, ट्रांसपेरेंट टाइप का लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं बोल रहे हैं अच्छा लगेगा। इसका ये दो फायदा है, एक फायदा है, पांच फायदे बताइए फटाफट। सारे फायदे ही फायदे हैं। नहीं आपने बताया ना इसका एक बेनिफिट है कि आपको इधर से भी दिखेगा उधर से भी दिखेगा। तो गाइस आप लोग भी यही अगर लगवाना चाहेंगे तो आइए आप लोग यहाँ पे अपना नेल पेंट, नेल पेंट लगवाइए, नेल लगवाइए, जो भी दिल करे वो लगवाइए। अभी सारा सब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में जुड़े रहिए, अभी आपको दिखाते हैं। तो फैमिली आप लोग ना इनको फॉलो कर लीजिए, इनकी इंस्टा आईडी है फैजान _420, क्योंकि ये 420 लग रहे हैं इसलिए 420 इन्होंने रख रखा है अपना नाम। तो इसके बाद ये प्रोडक्ट भर रहे हैं हमारे नेल में। वैसे हम आप लोगों को बहुत बार दिखा दिए कि हाँ ये कैसे होता है क्या होता है, तो बार बार ये चीज बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग डेली कुछ ना कुछ लोग तो नए जुड़ते हैं हमसे, तो लोग देख लें उनके लिए है। अब मेरे हाथ कितने काले लग रहे हैं, मैं काली हो गई। अभी घूम के आए हो ना तुम मुंबई? मुंबई कहाँ गई थी? कहाँ गए थे आप? गांव गई थी। गांव? हाँ गांव से आई हूँ, गांव का पानी छूट। और ये खुद बोल रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ा दो और मेरे को फॉलो नहीं किए हैं, हद है यार क्या जमाना आ गया है। चलो मैं अभी तुमको फॉलो ही करता हूँ मैम। चलो चलो ठीक है, कर लीजिएगा, थैंक यू करने के लिए। तो गाइस ये देखो हमारे पूरे अच्छे सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह भरा गया है नेल में, और जैसा कि मैंने बताया कि इस बार मेरे को डिफरेंट कुछ लगा है इस हाथ में का, और इस हाथ का भी देख लो लग गया है, बड़ी काली काली लग रही है हाथ मेरे, और इतना शेड दिखा रहे हैं कि इसमें से कौन सा कलर लगवाएं।
सब अलग अलग है। ये देख लो, ये कलर अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं ये कलर, ये लगाया था ये कलर नहीं। देख रहे हैं, देख के बताते हैं आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा नेल लग गया है, और कैसा लग रहा है इस बार कमेंट करके आप लोग एकदम सही से बताइएगा। हर बार तो झूठ भी बोल देते थे, लेकिन इस बार सही बताइएगा। और आप लोग आइए यहाँ पे, आप लोग भी लगवा सकते हैं यहाँ पे आकर के। बहुत ही प्यारा लग रहा है, इस बार कलर ही अच्छा लग रहा है ना, आप लोग को भी अच्छा लग रहा है। बोलो तुम ही बोलो। हाँ तो अब ये इसको बस खाली मैं ना इसको लूंगी, मुझे लगा तुम देख में हो, ऐसा आप ले लो बस अच्छे से। पहले स्टार्ट हो गया है, कोई नहीं कोई नहीं, वो मैं ना तो आवाज में उसका म्यूजिक डालूंगी ना बस। फाइनली दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है, तो अब इसके बाद मैं जा रही हूँ घर पे। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय बाय। और इनको फॉलो कर लीजिएगा, इनकी इंस्टा आईडी आप लोग को पता चल गया ना, फैजान 420। हाँ यही है इनकी आईडी, 5 मैं मेंशन कर दूंगी। बाय बाय।